वेलकम बैक एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने लारावेल का इंट्रोडक्शन लिया और अब हम क्या करेंगे कि लारावेल को इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में एंड वी विल डू दिस स्टेप बाय स्टेप। तो हम इसमें कमांड लाइन का भी इस्तेमाल करेंगे और कमांड लाइन के ज़रिए हम अपने लारावेल को इंस्टॉल करने वाले और साथ ही साथ पैकेज अपना जो हमारा प्रोजेक्ट है हम उसको भी इंस्टॉल करेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ डाउनलोडिंग द कंपोज़र। तो हमें सबसे पहले तो कंपोज़र की ज़रूरत पड़ेगी और उस कंपोज़र की ज़रूरत हमें इसलिए होगी ताकि हम अपनी कमांड लाइन के ऊपर कुछ कमांड्स को लिख सकें। तो आपको जब कंपोज़र डाउनलोड करना है तो आप सीधा जो मैं आपको URL दिखा रहा हूँ getcomposer.org इसके ऊपर आप जाएंगे और यहाँ से कंपोज़र डाउनलोड कर लेंगे। सो लेट्स मूव टू देयर। सो ये साइट है, आप सीधा लिखेंगे getcomposer.org एंड आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का लिंक आ रहा होगा। एज यू क्लिक डाउनलोड तो आपने यहाँ से composer-setup.exe को डाउनलोड करना है। आप चाहें तो कमांड लाइन के ज़रिए भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे विच विल बी लिटिल कॉम्प्लेक्स फॉर यू। सो बेटर इज़ दैट कि आप composer-setup.exe को यहाँ से डाउनलोड कर लें। जैसे ही आपके पास डाउनलोड हो जाता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इंस्टॉलेशन की तरफ मूव करें। सो व्हाइल इट्स डाउनलोडिंग लेट्स वेट अ बाइट। ओके सो नाउ द टाइम हैज़ कम टू इंस्टॉल द कंपोज़र और कंपोज़र हम डाउनलोड कर चुके हैं, अब हमें कंपोज़र को इंस्टॉल करना है। सो लेट्स सी। ओके तो एज़ यू कैन सी आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास कंपोज़र इस वक्त डाउनलोड हो चुका है। तो मैं इसको डायरेक्ट सेटअप फाइल को स्टार्ट करता हूँ। ये सबसे पहले तो आपके विंडोज़ के अकॉर्डिंग आपसे परमिशन रिक्वायर करेगा, आपने उसको सिंपली यस और रन कर देना है। देन आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें लिखा होगा इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र, तो आपने इसको इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र पर क्लिक करना है। देन कन्फर्मेशन आएगी, उस कन्फर्मेशन को येस कर दें। उसके बाद जस्ट मेक श्योर कि आपने यहाँ पे डेवलपर मोड पे चेक नहीं करना। अगर आप इस पे चेक कर देंगे तो आप इसको दोबारा अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स जस्ट लीव दिस एंड प्रेस नेक्स्ट। उसके बाद एड दिस पैथ टू PHP आप इस पे क्लिक कर दें। मेक श्योर कि यहाँ पे आपके पास XAMPP सेलेक्टेड आ रहा हो एंड बिफोर इंस्टॉलिंग कंपोज़र ये भी मेक श्योर करें कि आपके पास XAMPP इंस्टॉल हो और वो सही से चल भी रहा हो। ठीक है, तो इट्स बेटर कि सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल रहें। देन प्रेस नेक्स्ट। उसके बाद ये इंटरनेट कनेक्शन को चेक करेगा। फिर आपने यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर यूज़ नहीं कर रहे सो जस्ट लीव दिस, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे एंड देन प्रेस नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। देन ये आपके पास कंपोज़र को इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। ओके तो कंपोज़र हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। ये सिर्फ आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आपके पास चीज़ें सही नहीं चल रही तो आप ये सारे सो ऑन स्टेप्स कर सकते हैं। सो वी डोंट नीड दिस ऑल स्टेप्स, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक ठाक स्टार्ट हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। इट्स बेटर कि आप अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लें, बट आई एम नॉट डूइंग दिस राइट नाउ। सो लेट्स जस्ट प्रेस नेक्स्ट और बगैर किसी चेक के इसको फिनिश कर दें। सो टिल हेयर यहाँ पे आपका कंपोज़र इंस्टॉल हो चुका है। नाउ वी हैव टू चेक द कंपोज़र वर्जन। ठीक है, तो हम कमांड लाइन से अपने कंपोज़र का वर्जन चेक करेंगे और वो इसलिए चेक करना ज़रूरी है, उससे मेक श्योर हो जाएगा कि आपके पास कंपोज़र इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। तो सिंपल मैंने यहाँ से विंडो R प्रेस करना है और उसमें CMD यानी कि कमांड लिखना है और यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी कमांड जो कि है कंपोज़र स्पेस डैश और कैपिटल V। ठीक है, इसके बाद आप जस्ट प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ गया है कि आपके पास कंपोज़र वर्जन 2.3.7 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज़ द वे कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप देखोगे कि आपके पास कंपोज़र इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। ठीक है, आफ्टर द इंस्टॉलेशन ही आपके पास ये कमांड चलेगी, उससे पहले आपके पास एरर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि कंपोज़र जब आपके पास इंस्टॉल हो चुका है तो आप अपने CMD के थ्रू ही ये कमांड लिखेंगे। जो कमांड मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हुई है ये वाली दिस वन, इस कमांड के थ्रू आप अपने CMD पर जाएंगे, ये कमांड लिखेंगे और इसके ज़रिए आप लारावेल को इंस्टॉल कर लेंगे। हम अपनी कमांड लाइन पे आ गए। यहाँ पे सिंपल आपने लिखना है कंपोज़र स्पेस रिक्वायर स्पेस डबल कोट्स लारावेल स्लैश इंस्टॉलर डबल कोट्स एंड देन प्रेस एंटर। ओके, जैसे ही आप ये एंटर प्रेस करोगे आपके पास यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये कुछ मैसेजेस वगैरह आते रहेंगे, ये आपके पास सारा सेटअप देखें यहाँ पे कंटिन्यूसली चलता रहेगा एंड दिस इज़ शोइंग कि आपके पास यहाँ पे जो है आपके पास लारावेल इंस्टॉल हो चुकी है। लारावेल इंस्टॉल करने के बाद अब एक आखिरी स्टेप हमारे इस लेक्चर का ये है कि हम एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करके देख लेंगे कि प्रोजेक्ट हमने कैसे क्रिएट करना है। सो वो प्रोजेक्ट भी हम अपने कमांड लाइन के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले वर्जन कंपोज़र इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद उसका वर्जन चेक करके मेक श्योर करना है कि वो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। देन आप कमांड लाइन के ज़रिए लारावेल को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद अपना जो फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे हम
वो हम कमांड लाइन के थ्रू ही बनाने वाले हैं। उससे क्या होगा कि सब कुछ हमारे पास पहले से चीज़ें प्री डिफाइंड वे में बनी हुई आ जाएंगी। सो लेट्स ट्राई दिस। ओके, तो अब मेक श्योर ये करें कि आप अपने जो है उस लारावेल के प्रोजेक्ट को यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स में जाके बनाएं। ठीक है, तो मैं माय डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और उस फोल्डर का नाम होगा लारावेल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। आप चाहें तो किसी और जगह बना सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। इसके बाद क्योंकि मैं अपने यूज़र की डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं इसे कहूँगा चेंज डायरेक्टरी और डॉक्यूमेंट्स में मैं इसको ले जाऊँगा सबसे पहले। सो यू कैन सी कि इसकी जो डायरेक्टरी पहले मेरे यूज़र के नेम से थी, अब वो चेंज होकर डॉक्यूमेंट्स पर आ गई। ठीक, इसी तरीके से मैंने एक बार फिर से लिखना है सी डी। सी डी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और मैं इससे कहूँगा कि भाई लारावेल प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टरी में मुझे लेके जाओ। तो ये अब आप चेक कर सकते हैं कि मुझे लारावेल प्रोजेक्ट्स की डायरी में डायरेक्टरी में लेकर जा चुका है। सो इट्स बेटर कि आप एक अलग से सेपरेट डायरेक्टरी बनाकर वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करें। नाउ आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू राइट अगेन कंपोज़र। ओके, मेक श्योर कि आपने कंपोज़र लाजमी लिखना है, बिकॉज आप कंपोज़र यूज़ करके सारी कमांड चला रहे हो। तो कंपोज़र डैश क्रिएट प्रोजेक्ट डैश डैश, एंड देन आपने लिखना है प्रेफर डैश दिस, और फिर आप उसको बताएंगे कि लारावेल एंड देन बैक स्लैश देन अगेन लारावेल, और फिर आप अपने अपने प्रोजेक्ट का नाम जो भी आपने रखना होगा, माय फर्स्ट लारावेल प्रोजेक्ट में इसका नाम रख देता हूँ। ओके, तो ये मैंने अपने लारावेल प्रोजेक्ट का नाम रख दिया। ये पूरी मैंने कमांड बता दी कि कंपोज़र क्रिएट डैश प्रोजेक्ट डैश डैश पेपर डिस्ट, और फिर मैंने बताया कि लारावेल का प्रोजेक्ट बन रहा है। तो आपने सिंपली इस पे जस्ट एंटर प्रेस करना है, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पे मैसेज लिखा गया कि क्रिएटिंग प्रोजेक्ट एट दिस। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपके पास क्रिएट होना शुरू हो गया। इट्स गोइंग टू टेक अ बिट टाइम, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये तमाम चीज़ें आपके पास इंस्टॉल होके डाउनलोड होके आ जाएंगे। ओके, लुक एट दिस के कितने सही चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं। इतने में आप जाके लारावेल प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं। तो देखें आपके पास फोल्डर डिफ़ॉल्ट बना हुआ आ गया। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आप देखोगे काफ़ी सारा कॉन्टेंट भी आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड आ चुका है। ठीक है, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है कि आपने यहाँ से जो कमांड चलाई है, और ये जो अभी तक स्टिल रनिंग कमांड है, इस सब के चीज़ें के ज़रिए चीज़ें आपके पास डाउनलोड होके सब कुछ इधर इस डायरेक्टरी में इम्पोर्ट हो रहा है, और आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होने की तरफ चला जा रहा है। ओके, सो इट्स दिस इज़ द वे, इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, और अपने लारावेल के प्रोजेक्ट को आप अपने इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप सिंपल कुछ कमांड्स लिखेंगे और इस तरीके से आपका लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन दिस टॉपिक, देन यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टैक्ट बैक टू मी। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। अल्लाह।